ये देखिए अंदर से भी कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी है, आप देख सकते हो, और क्रिस्पी भी है। तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें ये उपास के लिए बहुत अच्छी भी है, झट जो झटपट बन जाए। आपको टिक्कियाँ दिख रही होंगी किस चीज़ की है, हमने साबूदाने को ग्राइंडर कर दिया, आलू को उबाल लिया था और मैश करके इस साबूदाने के ग्राइंडर में हमने उसको अच्छे से गून लिया। गूनने के बाद हमने इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली। आप चाहो तो इसकी पूरी भी बना सकते हो, रोटी भी बना सकते हो सके तो पराठे भी। हम बच्चे कह रहे हैं टिक्कियाँ बनाओ, तो देखिए हमने अभी तीन डाली है, अभी सीख रही है, थोड़ा सीखने में इसमें टाइम लगता है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी साबुदाने की टिक्की बनी है, तो हम आपको तोड़ के भी दिखा रहे हैं। ये देखिए अंदर से भी कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी है, आप देख सकते हो, क्रिस्पी भी है। तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें ये उपास के लिए बहुत अच्छी भी है, झट जो झटपट बन जाती है। लोग ज़्यादातर साबुदाने को भिगो के आलू डाल के करते हैं, लेकिन हमने साबुदाने को पीस के आलू को मैश करके इसको भुना है। भुन के हमने फिर इसकी छोटी छोटी टिक्की बनाई, जो आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और ये प्यारी प्यारी टिक्कियाँ आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जानकारी भी पूछ सकते हो कि कैसे कर और क्या क्या बना सकते हैं, क्या खा सकते हैं। हम सब कुछ आपको इस वीडियो में आप ज़रूर बताएंगे।